डांट के तू माफी मांगने जाना है तो आप तेरे को माफ कर सकता है। मैंने माफी वाला कीड़ा नहीं है। कानून आपका तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और सोलो कॉन्करर की जानदार शानदार रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। एंड मेरे भाई आज वाले वीडियो में भी यार दो गेम प्ले होते हैं, जिसमें कि यार फर्स्ट वाले गेम में तुम्हारा भाई एक हैकर को किल करेगा जिसका नाम है रियल स्पर्क। और भाई उस वाले हैकर ने भाई पूरी की पूरी लॉबी खाली कर दी थी। और यार देखना उस वाले हैकर से हमारी क्या ही फाइट होती है, मतलब उस वाले हैकर से काफी लंबी फाइट चलती है एंड तुमको मजा भी आएगा। फिलहाल के लिए फर्स्ट वाले गेम में मैं उतरा था पोचिंग की, और यार यहाँ पर उतरते के साथ ही मेरे दो किल तो हो चुके थे एंड मेरे को सामने की तरफ में एक बंदा स्पॉट होता है। फिलहाल तो भाई जैसे तैसे इस वाले बंदे को यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। और यार उसके बाद तो जाता हूँ मैं सेंटर की तरफ में। फिलहाल जैसे ही मैं इस वाले घर पे आता हूँ तब यार यहाँ पर एक बंदा होता है। अब यार यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बंदा यहाँ पर भाई मेरे पे रश कर देगा, क्योंकि यार इतनी जल्दी कोई रश नहीं करता, तो यहाँ पर तो मैं बिल्कुल मरते मरते बचता हूँ। अब यार जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ तभी मेरे सामने साइड में एक बॉट आ जाता है। अब इस वाले बॉट को जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ तभी मेरे सामने साइड में जो घर होता है उस पर दो बंदों में आपस में फाइट होती है। अब यार यहाँ पर ये जो एसके गेमर वाईटी नाम का बंदा है ये भी हैकर होता है। अब भाई इसका प्रूफ भी मैं तुमको दूंगा, क्योंकि अभी तुम देखना आगे जाके तुमको सब कुछ मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ पर मैं मरने के बाद एक ड्रॉप लूटता हूँ और लकीली इस वाले ड्रॉप से मेरे को MG3 मिल जाती है। एंड जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ अब यार यहाँ पर रियल स्पर्क नाम का जो बंदा है वो यहाँ पर किल हो जाता है। अब ये दोनों के दोनों हैकर थे, जिसमें कि एसके गेमर वाईटी नाम के हैकर ने इस वाले हैकर को मार दिया जिसका कि नाम रियल स्पर्क है। अब ये मेरे पास में भाई लैंड करता है क्योंकि अभी इसके पास रिकॉइल था। और भाई देखो यार इस वाले हैकर से मेरी क्या ही फाइट चलती है। अब यार ये इतना नूब हैकर था, मतलब भाई इस वाले बंदे के पास में हैक कर ये फिर भी मेरे पे रस नहीं कर रहा है और तुम्हारे भाई ने इस पे उल्टा रस करके इसको मारा। तो भाई इस चीज़ के लिए तो मेक श्योर आप लोग जरूर से लाइक कर देना। और यार यहाँ पर भाई मेरे पास में कोई हेल्थ वगैरह नहीं थी क्योंकि यार उस वाले हैकर ने सारी हेल्थ मेरी यहाँ पर यूज करवा दी थी, तो यार इसलिए मैं आता हूँ इस वाली शॉप पर हेल्थ लेने के लिए। तो यार जैसे यहाँ पर मैं हेल्थ लेकर इधर से निकल रहा होता हूँ तब यार देखो खतरनाक कैंपर। अब यार फिलहाल तो जैसे ही मेरे को इस वाले बंदे की जंप का साउंड आता है तो यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को इजिली फिनिश कर देता हूँ। और यार उसके बाद तो सर्कल जो था वो बना था यार शेल्टर के पास में। फिलहाल तो यार यहाँ पर मैं शेल्टर के पास में इजिली आ चुका था। अब यार यहाँ पर मैं जोन के अंदर भी था, अभी के लिए यहाँ पर मेरे को अच्छी खासी पोजीशन मिल चुकी थी। तो देखो यार यहाँ पर से अब मैं किस तरीके से किल्स निकालता हूँ।
अब यार जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ, तब यार यहाँ पर मेरे पीछे साइड से एक बंदा आ जाता है, और भाई लकीली यहाँ पर तो मैं बिल्कुल मरते मरते बचता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर तो मैं हेल्थ वेल्थ लगा लेता हूँ। अब यार नेक्स्ट सर्कल जो था वो अभी के लिए मेरे से शिफ्ट हो चुका था। अब यार यहाँ पर मेरे को सर्कल में जाना था। फिलहाल भाई यहाँ पर मेरे सामने साइड में एक बंदा टीपी ले रहा होता है। अब यार यहाँ पर तो मेरे को पता था अब मैं मरने ही वाला हूँ, क्योंकि पीछे से जोन आ रहा है और आगे एक बंदा टीपी ले रहा है। अब यार यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मतलब भाई सामने मेरे बंदा एक टीपी ले रहा है और भाई उसके अगेंस्ट मेरे को जाना है। अब सामने टीपी ले रहा हो तो भाई चलता भी है, और यार उस पर हाई एडवांटेज भी था, मतलब भाई यहाँ पर मेरे को पता था मैं मरने वाला हूँ, और ऐसा होता भी यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। फिलहाल के लिए बात करते हैं अपने सेकंड वाले गेम की। अब यार यहाँ पर मैं आता हूँ इस वाले कंपाउंड को लूटपाट करने के लिए। अब जस्ट यहाँ पर मैं आता हूँ तब यार यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा होता है, और देखो भाई इस वाले बंदे को किस तरीके से फिनिश करते हैं। अब यार यहाँ पर जितना उस बंदे ने मेरे को डैमेज दिया, सेम मैंने भी उस वाले बंदे को उतना ही डैमेज दिया। अब भाई अगर तुम किसी भी बंदे पे टीपीपी के अगेंस्ट रेस करते हो तो 90% चांस होते हैं कि तुम ही किल होगे। तो यार यहाँ पर देखो इस बंदे को मैं किस तरीके से फंसाता हूँ। अब यार यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्री फायर देता हूँ, और मेरे को पता था ये बंदा भी यहाँ पर प्री फायर देगा, एंड ऐसा होता भी है। अब जैसे इस वाले बंदे की गन रिलोडिंग पे जाती है, इसको मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। और यार उसके बाद तो यहाँ पर मेरे पे थोड़े बहुत पॉइंट हो चुके थे। अब मैं आता हूँ इस वाली शॉप पर, लेकिन यार यहाँ पर तो एक इच्छाधारी नागिन थी। अब जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ तभी मेरे को सामने साइड में एक बंदा दिखता है, जो कि भाई अभी भी पैराशूट से लैंड करा था। तो देखो यार इस बंदे पे मैं रश करके इसको किस तरीके से फिनिश करता हूँ। अब यार पता नहीं ये बंदा यहाँ पर करना क्या चाहता था। इस वाले बंदे को यहाँ पर मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। और यार उसके बाद तो यहाँ पर मेरे राइट की तरफ से एक बंदा मिनी चला रहा होता है। अब यार यहाँ पर इस वाले बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। अभी के लिए यहाँ पर जैसे मैं हेल्थ वेल्थ लगा के इधर से निकल रहा होता हूँ, तब यार यहाँ पर एक और बंदा होता है, और भाई इस वाले बंदे का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिलहाल तो भाई यहाँ पर मेरे को एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, जब यहाँ पर मैं हेल्थ लगा रहा था तब इस वाले बंदे ने मेरे पे फायर क्यों नहीं लिया। अगर ये मेरे पे जब फायर ले रहता तो ये बंदा यहाँ पर मेरे को फिनिश कर सकता था। अब यार जैसे यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ, तब यार यहाँ पर मेरे राइट की तरफ से एक बग्गी की रोटेशन आती है। अब यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को बॉट फायर करके बुलाता हूँ, एंड ये बंदा आ भी जाता है भाई। फिलहाल भाई ये बंदा तो किल के लालच में मरता है। अगर तुमको कोई बंदा बॉट फायर करके बुलाए तो तुमको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब जैसे यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ, तब यार यहाँ पर इस वाले गेम में एक और हैकर होता है। अब इस वाली चीज का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिलहाल जैसे यहाँ पर मैं सर्कल में जा रहा होता हूँ, तब यार यहाँ पर स्क्वाड हाउस की तरफ से एक बंदा फायर लेता है। अब मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये बंदा हैकर है। अब यार यहाँ पर पता मैं क्यों रुकता हूँ कि मेरे पे AMR थी, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पर स्नाइपिंग करके इस वाले बंदे को इजी फिनिश कर दूंगा, बट भाई यहाँ पर ये बंदा हैकर होता है। और यार यहाँ पर तुम्हारा भाई इस वाले हैकर का किल चुरा लेता है, मतलब भाई सारा का सारा डैमेज इस वाले हैकर ने दिया और किल तुम्हारा भाई ले जाता है। फिलहाल जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ, तब यार वॉच टावर से एक बंदा मेरे पे फायर लेता है। अब इस वाले बंदे को पता था यहाँ पर मेरे पास में AMR है, पता नहीं ये बंदा फिर भी मेरे पे क्यों ही पिक कर रहा था। इस वाले बंदे को यहाँ पर मैं इजिली फिनिश कर देता हूँ। और यार उसके बाद तो नेक्स्ट सर्कल जो था वो यार फिलहाल के लिए मेरे से शिफ्ट हो चुका था, अभी के लिए मेरे को सर्कल में जाना था। अब जैसे यहाँ पर मैं सर्कल में जाता हूँ, फिलहाल भाई जैसे यहाँ पर मैं सर्कल में जा रहा होता हूँ, तब यार यहाँ पर ये वाला हैकर मेरे को किल कर देता है, लेकिन कोई ना। अब यार यहाँ पर मेरे को इस वाले गेम से अच्छा खासा प्लस मिल चुका था 9 का। अभी के लिए मैं इस वाले हैकर को स्पेक्टेट करता हूँ, तो इस वाले हैकर की भाई KD देखो 21 की KD होती है, और किल्स देखो भाई 18 किल होते हैं। अब भाई यहाँ पर मैं कुछ बंदों से ऑल पे बात कर ही रहा था, अब ये बंदा भाई सैक पर इसको एक बंदा दिखता है। ESP में तो इनको सब कुछ दिख ही जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये बंदा सैक पर एक मॉली फेंकता है, और मैं ऑल पे कह ही देता हूँ भाई ये बंदे ने अगर सैक में मॉली फेंक दिया ना, मैं खेलना छोड़ दूंगा। और भाई देखो नतीजा। फिलहाल तो गाइस यही था आज वाली वीडियो में, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। और यार जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय।